वेलकम बैक गाइस। हमने क्या देखा था अभी लास्ट वीडियो में कि जब हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं कब, जब हमारा यूज़र लॉग इन हो। यार अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूँ तो जो प्रोडक्ट यूज़र ने अपलोड किया है वो प्रोडक्ट की डिटेल सारी हमें एक पेज पे शो हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे भी, या फिर जब हमारा जो एक जो फ्रंट पेज होगा, होम पेज, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल हमें शो हो जाए, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। ओके, तो अभी के लिए कितना करना है कि हम इस अपलोड बटन पे क्लिक करें कि अगर कोई बंदा इस क्रिएट की जगह पे यहाँ पे 1 डाले तो जो हमारा प्रोडक्ट जिसकी आईडी 1 है वो शो हो जाए, ठीक है। 2 डाले तो 2 वाली आईडी शो हो जाए, अगर 3 डाले तो जो भी प्रोडक्ट नंबर 3 है वो हमारा शो अप हो जाए, राइट। तो फिलहाल हमें ये कुछ काम करने हैं, एक तो ये 1 2 3 डाल के हो जाए, या फिर जब कोई प्रोडक्ट यूज़र अपलोड करे और अपलोड बटन पे क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट हमारा शो हो जाए। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हमने जब पहले ब्लॉग बनाया था पोर्टफोलियो वेबसाइट में तब भी सब चीज़ें की थी, राइट। तो सेम चीज़ करनी है यहाँ पे भी। तो सबसे हम पहले इसके लिए एक पाथ ऐड कर लेते हैं, यूआरएल ऐड कर लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट स्लैश के बाद में कुछ भी हमारा इंटीजर आता है तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ओके, तो लेट्स ओपन अवर एटम हेयर एंड प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी यू आर एल है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स स्लैश वाले यू आर एल हैं वो सारे हमारे कहाँ पे आते हैं, इस यू आर एल के अंदर, प्रोडक्ट की यू आर एल के अंदर, राइट। अगर आपको ना याद रहा हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी कोई यूज़र यू आर एल विजिट करेगा तो वो प्रोडक्ट हंट की इस यू आर एल एस डॉट पाई फाइल के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ से चेक करेगा, अरे वाह पा, जो हमारा डोमेन नेम है उसमें प्रोडक्ट्स आ रहा है, स्लैश प्रोडक्ट्स आ रहा है, यस आ रहा है, तो कहाँ भेजना है, प्रोडक्ट की यूआरएल फाइल में। तब इस प्रोडक्ट की यूआरएल फाइल में आएंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट्स के बाद में स्लैश क्रिएट आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्रिएट पेज पे, और अगर कुछ और हमें पाथ ऐड करना है तो हम कहाँ पर ऐड करेंगे, यहीं पर, राइट। तो मैं यहाँ एक पाथ और ऐड कर देता हूँ कि अगर हमारा प्रोडक्ट्स के बाद में कोई इंटीजर आता है, ठीक है, तो लास्ट टाइम कैसे किया था हमने, इंट, इंटीजर को पकड़ने के लिए हम ऐसे ये यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट की आईडी होगी वो हम ले लेंगे इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर, ठीक है। मतलब अगर कोई यूज़र है वो इस स्लैश के बाद में 1 डालता है, ठीक है, तो वो इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कौन सा फंक्शन फंक्शन कॉल करना है, हम कॉल करेंगे यहाँ पे व्यूज़ डॉट डिटेल, अभी बनाया नहीं है, क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसका नेम भी दे देते हैं हम डिटेल, तो याद करने में ईजी रहेगा। ओके, तो हमने ये कॉल तो कर लिया, अब चलिए इसकी कोडिंग भी कर लेते हैं, व्यूज डॉट डिटेल, हियर वी हैव इट। ओके, एक नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ डिटेल, ठीक है। ये हमारे दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा, पहला तो रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, सिंपल, राइट। दूसरा हमारे ये रिसीव करेगा प्रोडक्ट आईडी जो हमने इसे कॉल करते टाइम पास किया है। ओके, कौन सी वाली, ये जो यूआरएल के अंदर ये आईडी है, तो ये प्रोडक्ट आईडी वहाँ पे सेंड हो जाएगी हमारे व्यूज़ के अंदर। ओके, तो इस प्रोडक्ट आईडी का यूज़ करके हम किसी भी एक पोस्ट को फैच कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को फैच कर सकते हैं, कैसे अभी आगे देखेंगे। चल अभी के लिए हमें कोई से एक पेज रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, हमें कौन सा पेज ओपन करना है, लेट्स से कोई पेज है प्रोडक्ट डॉट स्लैश डिटेल डॉट एस टी एम एल, तो प्रोडक्ट्स के अंदर कोई टेम्पलेट है डिटेल डॉट एस टी एम एल का, ठीक है, जहाँ पे हमारे हर प्रोडक्ट की डिटेल शो होगी। ओके, अब दिक्कत यहाँ पे आती है, ठीक है, हमने ब्लॉग में पहले ही दिक्कत देखी थी कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा प्रोडक्ट फैच करना है, तो वो हमें पता है कि इस प्रोडक्ट आईडी से। ओके, लेकिन उससे पहले हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, राइट। तो लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट में ब्लॉग वाला बनाया था, तो वहाँ पे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट आईडी के थ्रू पूरे ऑब्जेक्ट को फैच कैसे किया था, अगर आपको याद हो तो हमने एक मेथड यूज़ किया था, गेट ऑब्जेक्ट और 404 पेज, राइट। तो हम पहले से इम्पोर्ट कर लेते हैं, कॉमा गेट ऑब्जेक्ट पर 404,
या तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ से ले लेगा, ठीक है, डेटाबेस से प्राइमरी की उसकी प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग, या फिर हमें 404 जो एरर पेज होता है वो रिटर्न कर देगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। नीचे आए वापस, और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना देते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, गेट ऑब्जेक्ट और 404, और यहाँ पे हम पास कर देंगे मॉडल का नेम, दैट इज़ प्रोडक्ट कॉमा प्राइमरी की। प्राइमरी की होती है हमारी आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे आईडी कहाँ से पास कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी से, तो इसे हम ये प्रोडक्ट आईडी दे देंगे। ओके, तो इससे हमारा जो भी इस प्रोडक्ट आईडी पे इंटीजर होगा, उस इंटीजर के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉडल है प्रोडक्ट, वहाँ से वैल्यू को फैच करेगा, ठीक है, उसकी उस ऑब्जेक्ट को फैच करेगा, और ऑब्जेक्ट को फैच करके स्टोर करवा देगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे हम हमेशा डेटा को पास करते हैं टेम्पलेट पे, इट विल बी अ की, दैट इज़ आई थिंक प्रोडक्ट विल बी राइट, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को पास कर देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, यहाँ खाली हम डेटा को पास कर रहे हैं, और ये हमारे इस डेटा की है जिसके थ्रू हम इसे टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर पाते हैं। तो आई थिंक सभी कुछ अब तक सिंपल है, ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जाके यार एक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अभी तक हमने डिटेल वाला पेज नहीं बनाया है, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर एक नया वेब पेज हमें क्रिएट करना है, डिटेल्स डॉट एस टी एम एल। ओके, यहाँ अभी के लिए खाली हम एक काम करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका खाली टाइटल प्रिंट करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि जो भी हम कर रहे हैं हम एकदम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, अब हमारे सर्वर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह डालना है। हमने क्या क्या किया अभी तक, टेग्राम अकेडमी कर लिया है, माई फर्स्ट ब्लॉग, ऑल दैट थिंग्स वी हैव डन। एक काम करते हैं, एक नई वेबसाइट है उबंटू ट्रिक्स, ठीक है, इसकी बॉडी में यू कैन फाइंड वेरियस ट्यूटोरियल्स ऑन उबंटू लिनक्स देयर। ओके, यू आर एल हमारा है https उबंटू ट्रिक्स डॉट कॉम। कोई एक फाइल चूज कर लेते हैं, कोई सी भी चूज कर लेते हैं रैंडमली, मैंने ये लोगो चूज कर लिया एंड ओपन इट, और इमेज फाइल को बड़ी सी चूज कर ली एंड ओपन इट। ओके, तो जैसे अपलोड पे क्लिक करें तो हम जो हमारा पेज है इस प्रोडक्ट का, वो वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी उस पेज में क्या है, डिटेल वाले पेज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल, तो वो टाइटल हमें यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम भूल गए हैं करना यार, कि जैसे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, क्रिएट वाला है ना, तो एक बार फिर से चीज़ जो हमें चेंज करनी थी लास्ट टाइम हम भूल गए थे, कि अभी क्या होगा ना, कि जैसे इस अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा किया था, कहाँ किया था चेक करवाते हैं एक बार। ओके, यहाँ देखिए कि अगर हमारा मेथड पोस्ट है, ठीक है, वो वाला बटन हमारा क्लिक हो रहा है अपलोड वाला, तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा होम, तो हमें ये कॉल नहीं करना था, हमें कौन सा कॉल करना है, क्रिएट, राइट। तो हम होम पे ना रिडायरेक्ट करते हुए हम इसे रिडायरेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स पे, एक्चुअली स्लैश प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, और इसके आगे क्या होगी हमारी आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी हम कैसे ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ हमने पूरा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो हम उसके थ्रू भी ले सकते हैं, कॉमा, सॉरी नॉट कॉमा, प्लस प्रोडक्ट डॉट आईडी।
लेकिन अभी भी दिक्कत आएगी क्योंकि ये आईडी क्या पता कौन सी फॉर्म में आएगी वापस रिटर्न होके, ठीक है, मे बी इंटीजर, तो हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इसे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो अब अगर हम इस अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें उबंटू ट्रिक्स वाला टाइटल शो हो जाना चाहिए, ठीक है, दैट्स राइट, वेरी गुड। ये कह रहे हैं टेम्पलेट आपने बनाया है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट्स चेक इट, प्रोडक्ट स्लैश डिटेल डॉट एस टी एम एल। ओके, यहाँ हमने मेंशन किया है डिटेल डॉट एस टी एम एल। ओके, और यहाँ हमने बनाया है डिटेल्स डॉट एस टी एम एल। शाबाश इंद्रजीत, एक अवार्ड आ रहा है ठेले पर रख के मेरे लिए स्पेशल। दैट्स द थिंग वी वॉन्ट। तो कैसे हमें यही करना था, राइट, कि जैसे ही हम किसी इस अपलोड बटन में क्लिक करें तो हम डायरेक्टली अपने पेज पे पहुंच जाएं जहां पे हमारा प्रोडक्ट शो हो, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल शो हो। तो अभी तो खाली हमने टाइटल किया है, तो भी पूरा पेज डिजाइन कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारा डिजाइन था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा पेज डिजाइन कर लेंगे। और भी के लिए हमने क्या किया था इस वीडियो में, यहाँ पे अगर हम वन डालते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश वन, आई थिंक वन वाला ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, टू, ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास में है टेग्राम अकेडमी, ओके, थर्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास में है अगेन टेग्राम अकेडमी, एंड फोर्थ वन इज गूगल, फिफ्थ वन इज गलत जगह ओके हो गया, फिफ्थ वन इज उबंटू ट्रिक्स। ओके, तो हम यहाँ से भी किसी भी एक प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा जब हम क्रिएट पेज पे होंगे, ठीक है, इस पेज पे, और इस आई थिंक वी हैव टू लॉग इन, टोनी स्टार्क, टोनी 1 2 3 4, अब जब हम इस पेज पे होंगे, ठीक है, और कोई फाइल अपलोड करेंगे तो हम अगेन उस जो भी हमने अभी अपलोड किया है प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी डिटेल्स पे पहुंच जाएंगे। तो सारी चीज़ें एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वर्क कैसे कर रही हैं। आपको पता है, ठीक है, इस क्रिएट पेज की कोडिंग कहाँ पे है, यूआरएल पे, ठीक है, क्रिएट, यहाँ फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है व्यूज डॉट क्रिएट, व्यूज डॉट क्रिएट पे गए, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्रिएट दो चीज़ें हैं, अगर हमारा मेथड पोस्ट है तब क्या करना है, या फिर जो मेथड पोस्ट नहीं है तब क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर मेथड पोस्ट नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही क्रिएट है ये वाला रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न क्रिएट स्लैश एस टी एम एल, नहीं क्रिएट डॉट एस टी एम एल, ओके, ठीक है। लेकिन अगर हमने ई वाला बटन क्लिक किया है, ठीक है, देखो दो तरीके हैं, अगर हमने डायरेक्टली ये वाला यूआरएल विजिट किया है, ठीक है, तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सॉरी ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये वाला लाइन कॉल होगी। अगर हमने इस बटन को प्रेस किया है तो हमारा इस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, तो हम इस मेथड इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तब हमारा रिटर्न होगा प्रोडक्ट्स और प्लस जो भी प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट अभी भी अपलोड किया है हमने डिटेल सेव किया है उस प्रोडक्ट की एक आईडी भी होगी, तो उस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग हम एक यूआरएल में प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट आईडी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पहले से है, इसके आगे कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी जो भी अभी प्रोडक्ट अपलोड हुआ है उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंटर करेंगे हम उस पेज पे पहुँच जाएंगे। सारी चीज़ एकदम सिंपल है, ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, उसमें वाला पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, और टाइम भी हो रहा है यार, 2 बज रहे हैं रात के, बाय बाय।